कंटिन्यू करते हैं एविडेंसेस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक क्लासेस के इस लेक्चर को। तो जो हमने फर्स्ट लेक्चर्स में इंट्रो दिया है, इंट्रो के बाद उसमें जो हमने बताया कि आपको जो सब्जेक्ट्स बताए थे उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके एग्जांपल देना था, वही एग्जांपल इसमें लिखना था। तो सबसे पहले हम शारीरिक क्रिया के एग्जाम्पल को देते हैं, जिसमें अवस्थापाक के एग्जाम्पल को देते हैं। अवस्थापाक की अवस्था का जो उसमें तीन स्टेजेस होती हैं डाइजेशंस की, उसको जो डाइजेशन की जो पूर्ण प्रक्रिया होती है उसकी तीन स्टेज होती है जिसे अवस्थापाक कहते हैं। और इस काल में क्या होता है, जो खाया हुआ अन्न होता है इनडाइजेस्ट अन्न होता है, उसका पाचन होता है डाइजेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम अवस्थापाक कहते हैं। इस प्रोसेस के समय जो है लक्षण भी उत्पन्न होते हैं उसको हम अवस्थापाक समझते हैं। और इसमें जो अग्नि जो होती है भोजन को पकाने वाली जो अग्नि होती है उसको हम डाइजेस्टिव पावर से कोरिलेशन किए करना, और डाइजेस्टिव जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको अनपाचन की इस प्रोसेस को डाइजेशन की प्रोसेस से डिस्क्राइब जो कोरिलेशन है, ये सभी रिसर्च के एक एविडेंस के रूप में ही है। तो जैसे कि वहाँ पे अगर आपको अवस्थापाक को समझना है तो अवस्थापाक को भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अवस्थापाक के लिए जैसे कि भागवत्ता ने कहा है कि जाठेड़ागी नाम योग द्वितीय शांतम शरणम प्रणामांते सभी पाकित स्मृता। तो जो भोजन खाया हुआ जो अन्न होता है उसको जो अग्नि के द्वारा पाचन होने के बाद जो तीन अवस्थाओं में परिणित होता है, ऐसी अवस्था को हम ऐसे प्रोसेस को हम अवस्थापाक कहते हैं। अवस्थापाक में मैं भी आपको एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इतना मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए फिर आपको बता देता हूँ कि अवस्थापाक में तीन अवस्थाएँ होती हैं, जिसमें मधुर अवस्थापाक और अम्ल अवस्थापाक कटु अवस्थापाक होता है। इनमें तरह तरह के सभी दोसाज इन्वॉल्वमेंट रहते हैं और अलग अलग लक्षण होते हैं। और ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एक एविडेंस ऑफ रिसर्च में इसका एक एविडेंस के तौर पे हम इसको मानते हैं। तो आप भी कोई और भी एविडेंस को भी कोई और एग्जांपल भी दे सकते हैं जो आपको एविडेंस से रिलेटेड लगता है। तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे शारीरिक रचना की, तो शारीरिक रचना में जैसे कि जो नंबर ऑफ द बोन्स मेंशन की गई हैं और कोश शरीर को मेंशन किया गया है, मर्म शरीर को जो डिस्क्राइब किया गया है वो डिस्क्राइब किया गया है, मतलब जो है और रचना विज्ञान में। और इसके बाद जो है जो उसको उसके साथ साथ मर्म सारी जो मर्म के स्थान थे उनको भी और मर्म घातक के लक्षण थे उनके टाइप थे उन सबको मेंशन किया गया, और डिफरेंट ऑर्गन्स को जो एनाटॉमिकल्स डिस्क्रिप्शंस जो है डिफरेंट ऑर्गन विद एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन फंक्शन इज गिवन इन द रचना सारी इन डिटेल। आपको पता है कि बहुत सारे उन ऑर्गन्स को उनके जो है फंक्शंस को भी जो है रचना सारी में जो है विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। ऐसे आप भी और एग्जांपल दे सकते हैं। रसशास्त्र की बात करते हैं तो रसशास्त्र में आपको पता है कि जो न्यूमरस मेडिकल प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे कि भेषज कल्पना हम जिनको बोलते थे आयुर्वेदा में, और उनको आज मॉडर्न टाइम में मेडिकल प्रिपरेशंस बोलते हैं जिनको भेषज कल्पना बोलते हैं। और जैसे कि स्वरस है, स्वरस को आयुर्वेद जूस से कोरिलेशन एक और क्वाथ है डिकॉक्जेशंस है एंड अबलेहा मलहर इसको आइंटमेंट से इट हैज़ बीन डिस्क्राइब इन विविडली टू टूडे आल्सो मेडिसिन इज प्रिपेयर द फॉलोइंग द सेम गाइडलाइन मेंशन प्रीवियसली। जो पहले की जो गाइडलाइन थी उसी के आधार पे आज भी हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। जब वेरियस मिनरल जैन फॉर द मेडिसिन प्रिपरेशन इन मेंटेनेटेड, तो बहुत सारे जो है मिनरल्स और जेम्स यानी कि रत्न उपरत्न को हम आयुर्वेदा में जो बताया गया था उनको आज भी प्रिपेयर करते हैं। तो एक इसको भी कर सकते हैं कि जो स्वरस तो उसको फ्रेश जूस, ये रिसर्च की एविडेंसेस के तौर पे हैं। क्वाथ को डिकॉक्जेशन के रूप में, और ये जो अबले है मलहर को अबले है उसके जो मलहर है मलहम जो होता है मलहम उसको हम ऑइंटमेंट के रूप में आज करते हैं। तो एक रिसर्च के ही एविडेंस है। अगर गतन की बात करते हैं कि जो स्कॉर्पियंस वाइट्स होती है वृश्चिक दंश होता है उसका जो है साइन सिम्टम्स और स्नेक वाइट्स के जो साइन सिम्टम्स हैं उन सबको जो है बताया गया है अगतंत्र में, जैसे अगतंत्र में है ना उसमें बताया गया है टॉक्सोलॉजी में, तो वो जो ट्रीटमेंट उनमें भी मेंशन किया गया है। तो इन सब चीज़ों को अगतंत्र में मेंशन किया गया है। कहा चिकित्सा में बहुत सारे डिजीजेज हैं जिनके साइन सिम्टम और ट्रीटमेंट को बहुत ही अच्छे विस्तृत रूप से बताया गया है, और उनको हम जो है आज भी आज के कोरिलेशंस के हिसाब से आज भी उनको किया जाता है। तो कोरिलेशन आज भी उनका किया जाता है, जो आज भी मिलने वाले जो डिजीज है उनसे कोरिलेशन आज किया जाता है। तो वो भी रिसर्च की एविडेंस में है। बात करेंगे द्रव्य गुणों में, तो क्या होगा जो आहार द्रव्य है, आहार द्रव्य फूड जो आहार द्रव्य यानी कि जो फूड्स आइटम है और गण है जो ग्रुप ऑफ द मेडिसिन है उनको भी मेंशन जो द्रव्य गुण में किया गया था वो आज जो है बहुत सारे विषद्रव्य हैं जो मेडिसिन में जुडिशली यूज किए जाते हैं, तो उन सब का भी आज
के कोरिलेशन से मिलता है। द्रव्यगुण का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे शल्य तंत्रा का जो एंसर्स थे, आज उनको इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं हम लोग, तो उनको भी आयुर्वेदा में जो किए गए थे वो आज भी जो इंस्ट्रूमेंट्स जो पहले की तरह आज भी उनको प्रयोग में लाया जाता है, बस थोड़े बहुत से माइनस चेंजेस हैं। दहन कर्म जो दहन कर्म इज यूज टू कंडक्ट प्रीवियसली जो हम पहले करते थे, टुडे इट विल आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द कॉटेजेशन एग्जेसिव कॉटेजेंस के रूप में आज दहन कर्म को करते हैं। आज हम स्त्री रोग में हम देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिगार्डिंग जैसे कि रज हुआ आर्तव हुआ, आज उनको मैच करते हैं हम टूडे जो मॉडर्न गायनकोलॉजी ऑप्स में कोलेशंस करते हैं उनका। और कंट्रासेप्टिव जो मेजर्स होते हैं मेडिसिन आर स्टिल फॉलो मेंटेनेड बाय द आवर एंशियंट्स आचार्य। सो कंट्रासेप्टिव जो मेडिसिन थी उनको हमारे एंशियंट्स प्राचीन आचार्यों ने भी उनको किया था, आज उनको आज भी फॉलो करता है, आज की मेडिसिन भी फॉलो करती है, जैसे रज आर्तव वगैरह इन सब का जो कोरिलेशन है वो सब भी आज भी उनको बताया गया, तो उन सब चीज़ों का ही दे दिया गया है। शालक अब ये शालक तंत्र में जो आई की जो डिजीज थी और ईयर की जो मेंटेनेंस प्रीवियसली जो आयुर्वेदा डिजीज थी वो आज भी आज तक उनको पाया जाता है उन सब डिजीज को। पंचकर्मा में देखते हैं तो टू रिमूव द इम्प्योर ब्लड यानी कि दुष्ट रक्त फ्रॉम आवर बॉडी एंड लीच एप्लीकेशंस जलों का उपचारण वेन सेक्शंस एंड शिरा वेद बाद कंडक्टेड सम प्रिंसिपल इज फॉलोड थ्रू द ब्लड ब्लड लेटिंग्स प्रोसेस जो आज रक्त मोक्षण की प्रक्रियाएँ हैं जो जलों का उपचारण करते हैं और शिरा वेद करते हैं जैसे कि वेन सेक्शंस बोलते हैं हम अब लीच एप्लीकेशंस कर